चलिए बनाते हैं आज रेसिपी जो कि बहुत ट्रेंड कर रही है यूट्यूब पे, वो है ये सत्तू के पराठे और चोखा। आज मैं सत्तू के पराठे टमाटर की चटनी के साथ ना बना के चोखे के साथ बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की नीड होगी। तो पहले करते हैं पराठे की तैयारी। उसके लिए यहाँ पे मैंने सत्तू लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जितने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से सत्तू ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 कप सत्तू लिया है, थोड़ी सी उसमें ग्रीन चिली ऐड की है, उसके साथ डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में डाल रही हूँ अनियंस। और यहाँ पे मैं हाथ से मैश करके अजवाइन ऐड कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ यहाँ पे जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और आप चाहें तो डायरेक्ट काली मिर्च को कूट के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, चाट मसाला पाउडर ऐड किया है, थोड़ा चटपटा ही बनता है। ये है मगरेला के बीज, इसे हम काले तिल भी बोलते हैं। और इसके साथ जाएगा बहुत सारा जो अचार होता है घर का, उसका तेल और उसका थोड़ा मसाला भी ऐड कर दीजिएगा। अचार डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, उसका मसाला और ऑयल डालने में, उसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और लहसुन जो हमारा गार्लिक है वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, पिंच ऑफ हींग ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसे अच्छे से मैश करने के बाद भी इसके पराठे बना सकते हैं, नो वरीज, बट मैं आज इसके अंदर थोड़ा वाटर ऐड करूँगी। वाटर ओरिजिनली ऐड नहीं किया जाता है सत्तू के पराठे में। अगर मैं बिहार की ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी की अगर बात करूँ तो उसमें वाटर का ऐड नहीं करते हैं वो लोग, वो डायरेक्ट ही सत्तू में ऑयल ऐड करके थोड़ा सा ये जो अचार का मसाला है ये सब ऐड करके उसी से बाइंडिंग ले लेते हैं और तब वो पराठे बनाते हैं। बट मैंने दोनों तरीके से बनाया है। क्या होता है ना, अगर आप वाटर ऐड नहीं करोगे उसके अंदर तो जो पराठे हम बनाते हैं पराठों के अंदर ड्राइनेस बहुत रहती है। जो सत्तू होता है वो ऐसा लगता है लाइक हम जब लिट्टी खाते हैं ना, लिट्टी के अंदर सत्तू बिखरता है, ऐसी पराठों के अंदर सत्तू बिखरता है। खाने में हम खा सकते हैं, नो वरीज, अच्छा भी लगता है, वो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, बट थोड़ा सा वो खाते टाइम दिक्कत होती है क्योंकि हम पराठे खा रहे हैं तो किसी सब्जी वगैरह के साथ खाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया, वाटर भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस इतना करना है कि सत्तू बाइंड हो जाए, ऐसे नहीं कि उसका आटा ही गुथ जाए, इतना भी नहीं है वाटर ऐड करना। और यहाँ पे लोई लेके उसके अंदर सत्तू भर के यहाँ पे हमारा पराठा भी रेडी हो रहा है और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं सत्तू के। ये तो रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये सत्तू जो होता है गर्मियों में हमारी बॉडी को कूल भी रखता है, ठंडा भी रखता है, साथ के साथ बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसके अंदर, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, गर्मी के मारे ना एनर्जी भी लॉस हो जाती है। जैसे सुबह के टाइम अगर आप लोग कहीं वर्किंग है, बाहर जाते हैं, तो सत्तू का एक पराठा खा के चले जाइए या लंच में ले जाइए, बहुत ही आपको एनर्जी देता है ये। तो चलिए सत्तू का पराठा तो बन के रेडी हो गया, यहाँ पर आज हम बनाएंगे चोखा। यहाँ पर मैं टमाटर और बैंगन दोनों का चोखा बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे सिर्फ टमाटर की चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, वो भी सेम प्रोसेस से बनता है, उसमें बैगन नहीं डलता है, सिर्फ टमाटर को ही रोस्ट करके आप उसे मैश करके उसकी चटनी बना सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं इसे एक मील के तौर पे बना रही थी, इसी वजह से मैंने सत्तू के पराठों के साथ चोखा भी बनाया और मुझे अच्छा भी लगता है सत्तू के पराठों के साथ बैगन का भरता या बैगन का चोखा, तो मैंने वो ऐड किया। यहाँ पे मैंने लहसुन और ग्रीन चिली को अच्छे से रोस्ट कर लिया था, ये बैगन और टमाटर भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए, इनको पील कर लूंगी। पील करने में थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि गरम गरम पील नहीं होते, मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इन्हें पील करने में। और इसके जो ऊपर का पार्ट होता है वो नाइफ से कट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बैगन को भी पील कर लूंगी। आप इसे रोस्ट करने के बाद थोड़ी देर रख दीजिएगा, मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैं फटाफट कर रही थी। और मैंने जो ग्रीन चिली और लहसुन जो मैंने रोस्ट किया था उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, वो मैं बाद में ऐड करूंगी इस मिक्सचर के अंदर, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और इसे बहुत अच्छे से मैश कर लीजिएगा। वैसे हाथ से भी अच्छे से मैश हो जाता है लेकिन गर्म था इसी वजह से मैंने फॉक का यूज़ किया है। यहाँ पे जो मैंने रोस्ट के रखी थी ग्रीन चिली और गार्लिक वो भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने फ्रेश गार्लिक और ग्रीन चिली है वो भी ऐड किया है, अनियन ऐड किया है, फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया है, टमाटर ऐड किया है, ये जो कच्चे प्याज और कच्चा टमाटर है ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, धनिया इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसमें से एक भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड चीज़ों से बनता है ये चोखा, तो जितना आप लिमिटेड उसे रखेंगे उतना ही टेस्टी बनता है। तो
यहाँ पे मैंने नमक डाला है, ब्लैक वाइट दोनों सॉल्ट डाले हैं, उसके साथ मैंने चाट मसाला ऐड किया, नींबू तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ होता है बिहारी रेसिपीज़ में, तो आप वो तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है उससे अच्छा सा फ्लेवर आता है इस रेसिपी के अंदर, आप कभी बना के भी देख लीजिएगा। आप विदाउट मस्टर्ड ऑयल इसे टेस्ट कीजिएगा, और मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद टेस्ट कीजिएगा, वो जो डिफरेंस है वो आप खुद ही पहचान जाएंगे। तो हमारी ये रेसिपी बनके रेडी हो गई, हमारा चौखा भी रेडी है, तू का पराठा भी रेडी है, तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर्ड का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, वो चौखा हमने रख लिया, इसके साथ यहाँ पे हमारी अनियन आ गए हैं और आ गए सत्तू के पराठे। ये आपको डार्क लग रहे हैं वीडियो में, बट जले नहीं थे, वो थोड़ा क्रिस्पी बनाए थे इस वजह से वो ऐसे लग रहे हैं, बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये रेसिपी मेरे कहने से आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, टेस्टी भी और हेल्दी भी है, जैसे कि आजकल मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज, तो ये उसी का एक पार्ट है। तो आप ये वीडियो बनाइए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे और अच्छे न्यू रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।